तो हेलो फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में एक नई और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट के लिए जो स्टार्ट कर रखी थी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो जो फॉरेस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस हमने कर लिया था बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, जो आपके फॉरेस्ट्री है उसका सिलेबस एनालिसिस टोटल 10 टॉपिक थे। मैंने पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया था कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, आपको मतलब टर्म्स वगैरह जो इसमें है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज अपना फॉरेस्ट्री का सिलेबस के बाद में फर्स्ट क्लास है। जिसने सिलेबस नहीं देखा है, सबसे पहले सिलेबस देखोगे कि पढ़ना क्या क्या है। कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं इस प्लेटफॉर्म से पढ़ो, इस परिवार से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। आप सेल्फ स्टडी करो, पीडीएफ से पढ़ो, पर आपको उसकी जो बाहर की जो आउटर लाइन है, सिलेबस जो है, रास्ता वो है, वो मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो आज अपना बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट्री का। तो बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिन्होंने वो नहीं देखा है उनके लिए है। तो लेक्चर फर्स्ट, टोटल 10 लेक्चर है आपके इसमें। होटी 112 ये इसका सब्जेक्ट कोड है और इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री इसका सब्जेक्ट टाइटल है। होटी 112 क्यों है? होर्टी 111 भी आपका ही है, हॉर्टिकल्चर जो है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर वाला सब्जेक्ट है वो है। तो उसका हमने उसमें 16 या 13 टॉपिक है, वो कंप्लीट सिलेबस कर लिया, उस कोर्स को ही कंप्लीट कर लिया। उसकी प्लेलिस्ट में नीचे दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट में चेक करना। 13 के 13 टॉपिक का सीरियल्स है, वो पढ़ो। और बहुत अच्छा क्रेडिट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में नोट्स लिखवाते हुए करवाया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करो। बाकी आज बात करते हैं होर्टी 112 फॉरेस्ट्री की। तो सबसे पहले आज फर्स्ट जो टॉपिक है अपना फॉरेस्ट्री का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो दे रखा है, वो टॉपिक ये है कि इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। इंट्रोडक्शन देखना है अपने को, इसका परिचय देखना है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, पहली चीज़ इसका इंट्रोडक्शन देखना है। दूसरी चीज़ देखनी है इसकी डेफिनेशन देखनी है, फॉरेस्ट्री की परिभाषा क्या होगी वो चीज़ देखना है। फॉरेस्ट्री को बोलते हैं वानिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वानिकी। अभी थोड़ा सा शब्द पे जोर देंगे ना, मैं नहीं आप खुद बताओगे कि फॉरेस्ट्री होता क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, देखो सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री, ये सारा मतलब एक ही ब्रांचे हैं, एक के ही बहु रूप है, जिसको आप पर्यायवाची शब्द वगैरह कह सकते हो, वो सेम सेम सिमिलर इनका मीनिंग निकलता है। तो वो सारा कुछ क्लियर करेंगे। अभी इसमें जो मेन है अपना फॉरेस्ट्री की, वन किसे कहते हैं, वन के बारे में दिया इसका ऑब्जेक्ट, इसके सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है और इंट्रोडक्शन देखना है। तो बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। जो फॉरेस्ट्री है वो लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ये जो फॉरेस्ट्री है वो किस भाषा के, सबसे पहले शब्द के बारे में देखते हैं अपने, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो ये थोड़ा बोर्ड वगैरह का सेटअप पहले जहाँ पे किया था, थोड़ी सी मेहनत करके, जो पुरानी क्लासेस 6-7 क्लास दी थी शायद मैंने, जो पुराना रूम वगैरह था वहाँ पे मैंने क्लासेस दी थी, पर वहाँ से किसी वजह से रूम छोड़ना पड़ा, रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो अभी नया सेटअप किया रूम वगैरह, तो बोर्ड का भी उतना वो नहीं कर पाए, ठीक है। अभी मैं भी एज ए स्टूडेंट ही हूँ, तो कहीं कभी इधर कभी इधर पढ़ते रहना पड़ता है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी बोर्ड ये थोड़ा ऐसे ही है, गिर भी सकता है चलती क्लास में, तो थोड़ा जो रसोई की पट्टी आती है उसी पे रखा हुआ ही है, उसके पीछे गैस पड़ा है पर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। वानिकी की बात करते हैं, तो ये लैटिन भाषा के सबसे लिया गया है, मार्कर को क्या हो गया आज, लैटिन भाषा के फोरिस शब्द से लिया गया है। गिरने जाए ये बोर्ड। फॉरेस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहरी जगह से होता है। किससे होता है? बाहरी जगह से होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। वह क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों का घनत्व अधिक रहता है वह वन कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों का, देखो वन किसे कहेंगे, सीधा सीधा जंगल, और एक तो जंगल होता है वन, वन में केवल पेड़ ही पेड़ आएंगे, ठीक है। पेड़ों का भी क्या घनत्व बहुत अधिक होगा, जो इनका पेड़ों का घनत्व होगा संख्या वो होगी सीमित, कम क्षेत्र में, ठीक है। ये कम क्षेत्र है पर बहुत मतलब नज़दीक नज़दीक पेड़ हैं, घनत्व में ज़्यादा हैं, प्रति एरिया संख्या में ज़्यादा हैं, तो इस क्षेत्र को अपन वन कहेंगे। ये कोई सड़क है, ये इधर का स्थान है, एक ये इधर वाला है खाली, इसमें ठीक है पेड़ भी हैं हल्के हल्के, झाड़ियाँ भी हैं, और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जिसको बोलते हैं वो भी है, जंगली जानवर भी रह रहे हैं, तो इसको जंगल कहेंगे वन कहेंगे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। वन को अगर अपन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, सीधा सीधा बात करें कि फॉरेस्ट, व्हाट इज ए फॉरेस्ट, तो वह क्षेत्र या वह एरिया
जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है, वृक्षों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, उस स्थान पर वृक्षों की संख्या बहुत अधिक हो, उसको वन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वनों के द्वारा पृथ्वी का लगभग 9.4 भाग गिरा रहता है, कवर रहता है। वन विभाग के अनुसार कुल भूमि पर लगभग 33% वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में 24.26, जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार लगभग 33%, ये पूरी अर्थ है, ठीक है, भूमि है, ये इसका हो गया 50-50, ये 50 इधर 50 इधर, इस 50 में से ये हो गया 25-25, तो अपने को कितना बता रहे हैं 33, तो लगभग इतना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना, इस पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तब ये जो साइकिल है जो रेगुलरली अपना चलता रहेगा। बोर्ड का है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है, अब आगे का आगे देखेंगे, अभी तो क्लास करते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल भूमि पर लगभग 33% वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, 24.26% वन है वर्तमान में। भारत में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल एमपी में है, और घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, एपी में है, अरुणाचल प्रदेश में घनत्व तो, और वनों का क्षेत्र कहाँ पे है इसमें, एमपी में, मध्य प्रदेश। भारत के अंदर सर्वाधिक वन एमपी, बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में उदयपुर, राजस्थान में कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर, ये चीज ध्यान रखोगे, राजस्थान के अंदर उदयपुर में है और भारत के अंदर एमपी में है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट, जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल व जल चक्र प्रदान करती है, जो जंगल है वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं के लिए, जलीय जो जंतु है उनके लिए, ठीक है, जंगल में रहने वाले जो जंतु हैं, बाघ, चीता, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, शेर, जो भी हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका एक जीवन चक्र चलता है, ठीक है, एक साइकिल चलती है, वो सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ इनमें आएगी, विविधता आएगी। देखो शेर उसको खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, बाज किसको खा रहा है, तो ये खाते रहते हैं ना, वो भी जरूरी है चलना, वो चीज़ भी जरूरी है, नहीं तो एक चीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो एक संतुलित मात्रा में चलता रहे, सारा कुछ बनता रहे, तो वो जंगलों पे होता है, और वो जब संतुलित मात्रा में चलता रहेगा तो जो आपका एनवायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, या अच्छा संतुलित रूप से रहेगा, तो आप जो हैं, हम हैं, आप हैं, जो भी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, वो सारे सुखी तरीके से रहेंगे, एनवायरमेंटल जो है परिस्थितियाँ जो है, जिनको बोल सकते हैं पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, वो कभी भी अपने विपक्ष में नहीं रहेगी, हमेशा अपने पक्ष में रहेगी, जैसा अपने को चाहिए वैसे अपने अनुकूल रहेगी वो सारी कुछ चीज़ें। कब रहेगी, जब 33% वन होने चाहिए थे, ये सारा कुछ मतलब रोटेशन बिल्कुल क्रम वन चलता रहता, तो अभी वन कितने हैं 24.26%, तो इस वजह से अपने को बहुत सारी ऐसी अपने विपक्ष में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, बेमौसम आंधी, सूखा, ठीक है, अधिक बरसात, ओले, ये सारा कुछ रोटेशन इसी वजह से खराब होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, मृदा संरक्षण में वनों का विशेष महत्व है, इस कारण वन जीवमंडल का अहम हिस्सा है। मृदा संरक्षण में जो सोइल इरोजन है, ये मैंने टॉपिक करवा रखा है, बाकी दोबारा करवाऊंगा सोइल साइंस में आपके, देखो सोइल साइंस की भी रेगुलर क्लासे हो रही है, इंग्लिश की हो रही है, चेक कर लेना एक बार, इंग्लिश की हो रही है, सोइल साइंस की हो रही है, एग्रोनॉमी की मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैथ की भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर करवाऊँ कैसे, जहाँ पे अभी व्यवस्था नहीं बैठ रही है, मतलब रिकॉर्ड वगैरह करने की, फिर भी कोशिश करूँगा। मैं क्या बता रहा था, मैं मृदा संरक्षण, सोइल इरोजन का नाम सुना आपने, मृदा क्षरण जिसको बोलते हैं, मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, मृदा कणों का टूटकर अपने मूल स्थान से या पैतृक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर चले जाना, सोइल इरोजन कहलाता है, ठीक है, मृदा क्षरण कहलाता है, इस मृदा कटाव, मृदा अपरदन, बहुत सारे शब्द हैं इसके, तो वनों के द्वारा है ना, ये मृदा अपरदन है, इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोका जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मृदा संरक्षण में वनों का विशेष महत्व है, इस कारण इसे जीवमंडल का अहम हिस्सा बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, ये मैंने इसका क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि वन क्या होते हैं। अब बात करते हैं आपके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 101% आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आपके इंट्रोडक्शन के बाद में हो गया इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन देखते हैं फॉरेस्ट्री क्या है। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों की वृद्ध समूह एवं अधिक घनत्व पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। पृथ्वी का ऐसा समूह, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज किया है कि यह पृथ्वी का ऐसा समूह या अर्थ की ऐसी कोई लैंड जहाँ पे क्या है पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, उसको क्या कह सकते हैं अपन, फॉरेस्ट्री या जंगल कह सकते हैं, ठीक है। वन देखो फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, सबसे मेन चीज़ जो आपकी आती है कि फॉरेस्ट्री में अपने को पढ़ना क्या, वन के बारे में क्या पढ़ सकते हैं अपन। तो सेकंड आपके जो टॉपिक है वो ये है कि जो फॉरेस्ट रीजनरेशन है, पुनर्जनन है, वो दो प्रकार का है, आर्टिफिशियल और नेचुरल है। कृत्रिम रूप से वनों का पुनर्जनन करना और प्राकृतिक रूप से वनों का पुनर्जनन करना। पुनर्जनन क्या होता है, कोई जंगल है, कोई वन है,
उसका काट दिया, ठीक है, उसमें से पेड़ काट लिया, सरकार ने काट लिए या आदिवासी जो भी वहाँ के हैं लोग लोकल हैं उन्होंने काट लिए, लकड़ी के लिए काटे हैं या उद्योग के लिए काटे हैं या किसी फैक्ट्री के लिए काटे हैं, किसी भी लिए काट लिए, तो वन वैसे भी 33 होना चाहिए, 24 रह रहा है, कम हो रहा है ना परसेंटेज, तो इसको बढ़ाने के लिए उनका पुनरुद्भवन किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनरुद्भवन, ठीक है, रीजनरेशन। तो वो दो रूप से किया जा सकता है, आर्टिफिशियल रूप से और नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से और क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक और कृत्रिम, दो रूप से कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री का मतलब पहली क्लास है तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, जंगलों में क्या, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, जो उनके क्या क्या शब्द अपन यूज लेते हैं उनके लिए, उनको मापने के लिए, ठीक है, काट दिए तो उनको दोबारा से कैसे फुटाएंगे, फुटान आएगी, कल्ले दोबारा कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनमें कोई रोग लग गया, पुराने पौधे हो गए तो उनकी दोबारा से उनको रीजनरेशन कैसे करेंगे, नए पौधों में कैसे बदलेंगे, किसी की कुछ दिक्कत हो रही है, कीट लग गया, गल गया, सड़ गया, तो उसको काटना है, हटाना है, मतलब जंगल में क्या पढ़ेंगे अपन, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी वन्य जीव है, झाड़ियाँ हैं, सब्स है, ठीक है, और जो भी चारे वाली फसलें हैं, चारे वाले पेड़ हैं, सीसम हो गया, खेजड़ी हो गया, ठीक है, प्रोसेपिस सिनेनेरिया, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इनसे कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है, क्या क्या, वो सारा आपके आगे है, फॉरेस्ट्री में है, ऐसी बात नहीं है, फोडर क्रॉप्स जो है आपके उसमें है, तो फॉरेस्ट्री में पढ़ते क्या है, एक जंगल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उसको कम ज़्यादा करने का है, रीजनरेशन का है, सारा कुछ उनका प्रबंधन बोल सकते हैं अपन, फॉरेस्ट्री का मैनेजमेंट बोल सकते हैं, प्रबंधन, ये मार्कर को क्या हो गया, प्रबंधन, मैनेजमेंट पढ़ेंगे उनके फॉरेस्ट का, जंगलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जो भी ट्रीज है सारे उनका। दोबारा से डेफिनेशन देता हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां पर वृक्षों को वृद्ध समूह, वृक्षों का वृद्ध समूह वही होगा, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, समूह अधिक घनत्व, अधिक घनत्व क्या होता है, देखो एक लिमिट एरिया के अंदर उनकी संख्या, तो घनत्व उसको बोलते हैं, अधिक घनत्व होएगा, ये हो गया, फिर दे रखा है वन शब्दावली, जो दे रखा है इसमें रिलेटेड टर्म्स फॉर फॉरेस्ट्री, जो बेसिक वर्ड्स हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें हैं और आपके इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जो पहला क्वेश्चन है पेपर में, एक से दो क्वेश्चन जो आते हैं, पहले में 10 आते हैं, दूसरे में 10 आते हैं, वो पार्ट ए में आते हैं, न्यू टाइप जिसको बोलते हैं, ऑप्शनल जो आते हैं, टिक मारने होते हैं आपको, ऑप्शन आपको देते हैं उसमें, एक तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, दूसरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थ्योरी पेपर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा न्यू टाइप के अलावा, जो कॉपी में लिखना है, नोट आउट करना है, उसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लेता सीधा, और 3 या 4 वर्ड आएंगे इनमें से, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि यहीं पे समझाऊं या याद करूं, बाकी आपके ऊपर है। फिर एकड़ किसको बोलते हैं, एकड़ या एरिया, यह भूमि की एक मापन इकाई है जिसमें 43,560 वर्ग फीट होते हैं, एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 2.47, एक हेक्टेयर, यार ये बोर्ड का डर है मेरे, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़, 2.47 एकड़ होते हैं, 2.47 एक हेक्टेयर के अंदर कितने एकड़ होते हैं, 2.47, और एक एकड़ के अंदर कितने फीट होते हैं, इसमें साफ नहीं लिखा हुआ, ये छोड़ो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द जलोढ़ या एलुवियल, जलोढ़ शब्द समझ में आ रहा होगा, जलोढ़ या एलुवियल, एलुवियल इंग्लिश में, एलुवियल जलोढ़ या एलुवियल के बारे में, ये क्या होता है, पौधे के पानी के द्वारा या पानी के बहाव के साथ मिट्टी तथा एकत्र सामग्री को एलुवियल कहते हैं, जो पानी के साथ बहकर जो नई मिट्टी आती है उसको जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है, जो नई मिट्टी आती है पानी के साथ बहकर, जैसे जंगल के बारे में पढ़ रहे फॉरेस्ट, तो वहाँ पे नदी भी होगी भाई, जंगली जीव रहेंगे, पेड़ पौधों को पानी, जंगली जीव रहेंगे तो उनको पानी, नदी भी होगी, तो उस नदी के बहाव के साथ जो बहकर नई मिट्टी आती है या जो एकत्र सामान आता है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ या एलुवियल, और जो पुरानी है उसको खादर, नई को जलोढ़, ठीक है, एलुवियल। आगे है बेसल क्षेत्र या बेसल एरिया, बेसल क्षेत्र या इंग्लिश में बोलेंगे बेसल एरिया, बेसल एरिया या बेसल क्षेत्र, बेसल क्षेत्र या बेसल एरिया, इसके बारे में बात करते हैं। बेसल क्षेत्र या पृथ्वी का वह वृक्ष का वह भाग जो जमीन से 4.5 फीट ऊंचाई का होता है उसे बेसल क्षेत्र कहते हैं, वृक्ष का वह भाग जो जमीन से 4.5 फीट ऊंचाई तक, ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये हो गई जमीन अपनी, ठीक है, और ये नीचे हो गई इसकी जड़ें, तो जमीन से लेके यहाँ से लेके 4.5 फीट ऊंचाई तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो तना है, इसको क्या बोलते हैं, बेसल एरिया, क्या बोलेंगे, बेसल एरिया। दोबारा से समझ लो थोड़ा सा,
ये कोई वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष का तने का जमीन से लेके 4.5 फीट ऊंचाई तक का जो क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, बेसल एरिया। जलोड किसको बोलते हैं, एलुवियल, जो जल के द्वारा, जलोड जल के द्वारा लोड होके आई है, वाटर के द्वारा लोड होके आई है, सीधा ऐसे समझ लो शब्द से, मतलब पानी के बहाव के साथ जो आई है नई मृदा उसको जलोड बोलेंगे। बेसल एरिया किसको बोलेंगे, पेड़ के भूमि की सतह से लेकर 4.5 फीट तक की ऊंचाई के क्षेत्र को बेसल एरिया कहेंगे। फिर होता है ब्रेस्ट हाइट, स्तन ऊंचाई, हिंदी में बोलेंगे स्तन ऊंचाई, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट हाइट। ये किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, ये आ गया आपको। बेसल एरिया किसको बोलेंगे, बेसल एरिया बोलेंगे पेड़ की कोई भी वृक्ष है, ठीक है, उसकी ये सतह है, सपोज दैट ये सतह हो गई, ये वृक्ष है यहाँ पर उग रहा है, ये इसकी सतह हो गई, तो यहाँ से लेके इस सतह से लेके 4.5 फीट ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है ये जो, उसको क्या बोल देंगे, बेसल एरिया। फिर अपना नेक्स्ट है ब्रेस्ट हाइट या स्तन ऊंचाई, यह जमीन के सामान्य रूप से 135 मीटर ऊंचाई पर किसी वृक्ष के तने की मोटाई को ब्रेस्ट हाइट कहते हैं, इसे DBH हाइट भी कहते हैं, DBH डीमीटर ब्रेस्ट हाइट भी कहते हैं, 135 मीटर ऊंचाई पर किसी वृक्ष के तने की हाइट को, 135 मीटर ऊंचा किसी वृक्ष के तने की जो हाइट है उसको क्या बोलेंगे, स्तन ऊंचाई बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसमें शब्द है बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही आपको सुना होगा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यह जीव समुदाय को एक साथ रहने की अनुमति प्रदान करती है। जैव विविधता का बायोडाइवर्सिटी, बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपके टॉपिक भी अलग से दिया हुआ, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जैव विविधता, जैव मतलब जीव, विविधता मतलब अंतर, उनके अंदर पाए जाने वाला जो अंतर है, अब वो नेचुरली है या आर्टिफिशियल है, नेचुरली वाली को बोलते हैं, इसमें दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र तो सबको पता होगा, अपने आसपास में जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो मिलके बनाते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग जातियों के जीव है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वभाव वाले जीव हैं, उनके बीच में जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई घास खाता है, कोई मांसाहारी होता है, तो वो सारी जो विविधताएं हैं उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, और जैव विविधता बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है नई नई जातियों के विकास के लिए, उन जीवों के सर्वाइवल करने के लिए जैव विविधता बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट है बोले या बेले, बेले बेले या बोले भी इसको बोल सकते हैं, बोले या बेले, ठीक है, ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो वर्ड बता रहा हूँ आपको, बेसल एरिया, ब्रेस्ट हाइट, ठीक है, जलोड़, जैव विविधता या बेले, ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। अभी अपना पार्ट फर्स्ट सेम का है, ठीक है, और फर्स्ट सेम का भी फॉरेस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, तो मैंने बता दिया जंगल क्या होता है, वन क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होती है, अब बात करें फॉरेस्ट्री में कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, इसके बाद में बताऊँगा मैं आपको सिल्वीकल्चर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, फिर आएगा अपने फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, फॉरेस्ट रीजनरेशन, उसके बाद में क्या क्या टॉपिक्स है फॉरेस्ट रीजनरेशन के बाद में, आपका एग्रोफॉरेस्ट्री आएगी, एग्रोफॉरेस्ट्री भी आएगी, कृषि वानिकी, वानिकी और कृषि वानिकी अलग चीज़ होती है। बोले या बेले, पेड़ का मुख्य तने को बेले कहते हैं, पेड़ का जो मुख्य तना है, ये मुख्य तना, बीच से जो शाखाएं निकल गई ऊपर जाके फट गई वो नहीं, जो मुख्य तना है जहाँ से नीचे नीचे का, जिसको गोली बोलते हो, उसको बोलेंगे बेले, मुख्य तने को, पेड़ के मुख्य तने को बेले बोलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ न्यू टाइप में या छोटे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से नोट आउट कर लेना, जितना मेरे से बन पा रहा है यहाँ पे जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और इसका कोई फीस वगैरह कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना आपको, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर है बोर्ड फुट या बोर्ड पैर बोलेंगे हिंदी में, बोर्ड फुट FOOT हिंदी में क्या हो गया, बोर्ड पैर हो गया, बोर्ड फुट या बोर्ड पैर हो गया। यह पेड़ में लकड़ी की मात्रा को मापने की एक इकाई होती है, बोर्ड फुट क्या है, सीधा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड फुट क्या है, तो पेड़ के अंदर जो लकड़ी की मात्रा है, पेड़ लकड़ी का बना हुआ सबको पता है कास्ट होता है, पर इसके अंदर जो लकड़ी की मात्रा है जो क्वांटिटी है उसको मापने की इकाई है क्या है, बोर्ड फुट क्या है, पेड़ के अंदर लकड़ी को मापने की, वुड जो है उसको मापने की इकाई है, यूनिट है उसको मापने की, जो कि 144 घन इन के बराबर होती है, 144 घन इन, ये इसकी कोई यूनिट है, 144 घन इन के बराबर होती है, 144 घन के बराबर होती है, कौन, बोर्ड फुट क्या है, एक पेड़ के अंदर उसकी लकड़ी की मापने की, ठीक है, लकड़ी को मापने की इकाई है।
यह पेड़ में लकड़ी की मात्रा को मापने की इकाई है जो 144 घन इंच के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला दे रखा है लंबाई और चौड़ाई बटा 12। पेड़ की लंबाई चौड़ाई बटा 12, लंबाई यहाँ पे दे रखा है फुट गुणा चौड़ाई इंच में, ठीक है, गुणा 12, बटे में 12 दे रखा है। नेजली कैलिफोर्निया वन प्रैक्टिस नियम, एक आता है आपको कैलिफोर्निया प्रैक्टिस वन, ठीक है, इसे जेडबर्ग नेजली का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार 1973 में वन प्रैक्टिस अधिनियम के तहत वन अभ्यास नियमों को शुरू किया गया था। इसमें सर्वेक्षण के द्वारा वनों की प्रजातियों, उत्पादों, आकारों और गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। ये चीज़ समझना। अब कैलिफोर्निया भवन प्रैक्टिस नियम, कैलिफोर्निया का कोई प्रैक्टिस, कैलिफोर्निया के नाम से, कैलिफोर्निया के जंगल नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो उस नाम से एक रूल है कैलिफोर्निया फॉरेस्ट रूल, इसको जेडबर्ग नेजली का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडबर्ग नेजली। अब आज मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड गिरने का रहता है। जेडबर्ग नेजली का नियम, नेजली का नियम भी कहते हैं। इस नियम में क्या किया गया है? इस नियम के अनुसार 1973 में वन प्रैक्टिस अधिनियम के तहत वन अभ्यास नियमों को शुरू किया गया। कैसे इन फॉरेस्ट को और अधिक अपन विकसित कर सकते हैं, अधिक लंबे समय तक इनको रख सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। फिर शब्द ठोकर, 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 ठोकर क्या होता है, ठोकर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठोकर, तो ठोकर का दे रखा है कि एक पेड़ की आकृति बीमारी, कीट या शिकार चोट के कारण हो जाना, उसका उपयोग जलाने के लिए किया जा सकता है, तो पेड़ ऐसे भाग को ठोकर कहते हैं। इसका सीधा सीधा ठोकर, ठोकर क्या होती है, किसी को ठोकर देते हैं नीचे, बिना काम की चीज़ रहती है तो ठोकर लग जाती है। तो कोई पेड़ है, ठीक है, ये अपना ट्री है, इसको कोई बीमारी लग गई, कोई कीट लग गया, ये पूरा नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, डेथ हो गई इसकी, ठीक है, वहाँ से पेड़ हट गया, सूख गया, तो इसको अपन जलाने के यूज में ले सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ठोकर कहेंगे, जिसको जलाने के रूप में लेंगे, जो अपने काम का नहीं रहा, ठीक है, वन के काम का, फॉरेस्ट रीजनरेशन जो कर रहे हैं, पुनरुद्भवन के लिए भी उसको यूज नहीं ले सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, ठोकर बोलेंगे अपन। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है, कटान चक्र, कटिंग साइकिल, प्रमुख कटाई अंतराल बीच नियोजित समय। अब ये हिंदी में नोट से थोड़े समझ में है, मेरे को नहीं आ रहे। कॉपीस, नेक्स्ट जो वर्ड है मोस्ट लगा हुआ है, कॉपीस, मिटाता हूं मैं इनको, कॉपीस, ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज पता होना चाहिए आपको। फॉरेस्ट्री के अंदर जो रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो बार बार यूज की जाएगी, उनको पढ़ रहे हैं अपन। तो इनमें इतनी चीज़ें मैंने बता दी, जलोढ़ बता दिया, बेसल एरिया बता दिया जो कि 4.5 फीट तक का रहता है, ठोकर मैंने बता दी कि ऐसा पेड़ जो अपने लिए फॉरेस्ट के लिए काम का नहीं रहा अब, ठीक है, सूख के गिर गया या किसी रोग की वजह से गिर गया, कैसे भी गिर गया, ख़त्म हो गया, वो डेथ हो गई उसकी, तो उसको अपन जलाने के लिए यूज ले सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठोकर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉपीस, कॉपीस किसको बोलते हैं, किसी वृक्ष की, किसी वृक्ष को जमीन से काटने के बाद पुनः वृद्धि की क्षमता को कॉपीस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कॉपीस, कॉपीस, कॉपीस किसको बोलते हैं, बोल रहा हूं मैं, कॉपीस किसको बोलेंगे, किसी वृक्ष को जमीन से काटने के बाद पुनः वृद्धि की क्षमता को कॉपीस कहते हैं, इसको ऐसे समझना। कॉपीस, ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, इसको जमीन से, ये जमीन है, ये, ठीक है, ये अंदर अंदर की जड़ें हैं इसकी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, अंदर अंदर की जड़ें थी, यहाँ से मैंने पूरा इसको समतल से काट दिया, दोबारा से जो कल्ले अल्ले फूट गए इसमें, जो दोबारा से पुनरुद्भवन की जो क्षमता है, रीजनरेशन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो ये कौन सा हो रहा है, नेचुरल रीजनरेशन हो रहा है, कल्ले फूट रहे हैं, दोबारा से लग रहा है। देखा होगा कभी कभी हमारे घर के बाहर या ऐसे कुछ पेड़ वगैरह रहते हैं, तो अपन उसको काट देते हैं, फिर बरसात के दिनों में या कैसे भी करके उससे बिल्कुल छोटे छोटे नए कल्ले निकलने लगते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस ठूंठ से जो नए कल्ले बन रहे हैं उसको कॉपीस बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, 2 स्टार लगा लेना इसके, ये आ सकता है आपके पेपर में कि कॉपीस किसको बोलते हैं। तो पेड़ के तने को, मुख्य तने को, जब भूमि के समतल स्तर से काट दिया जाता है और कुछ समय बाद या उससे दोबारा जो पुनरुद्भवन की जो क्षमता है, उस क्षमता को कॉपीस बोलते हैं, ठीक है। एक दो वर्ड और रह रहे इसमें, कृत्रिम प्रसारण, वे पौधे या वृक्ष जिसका प्रसारण एवं विकास कृंतनीय टुकड़ों के द्वारा किया जाता है, जैसे आपके सहतूत हो गया, उसकी डाली से भी दूसरा लग गया, तो वे पौधे कृत्रिम प्रसारण इसको बोलेंगे। फिर है चंदुआ, एक जंगल में वृक्ष के मुकुट की परत को क्या बोलते हैं, चंदुआ बोलते हैं।
क्राउन क्लासिफिकेशन ये बाद में। कार्ड क्या किसको बोलते हैं, 128 गन फिट गोलिया विभाजित लकड़ी का बॉक्स होता है जिसको कार्ड बोलते हैं। ये फॉरेस्ट्री में यूज होने वाले टर्म्स और वर्ड हैं, ठीक है। कार्ड आपको अगर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, नोट्स में अभी लिखवा देता पर बोर्ड में थोड़ा अपना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैं बोल देता हूँ दोबारा से, 128 गन फिट गोल या विभाजित लकड़ी का बॉक्स, 128 गन फिट का गोल या विभाजित लकड़ी का बॉक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और पर्यावरण के मध्य का रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी क्या होता है, जीवों और पर्यावरण के मध्य जो रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। वह एनवायरमेंटल और जो जीव जितने भी जैविक अजैविक जो दो घटक होते हैं उनके बीच का जो संबंध है, कि पेड़ पौधों का और हमारा क्या संबंध, उनसे क्या क्या मिल रहा है, किस प्रकार से वो अपने को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर अध्ययन की जाती है। इकोसिस्टम क्या होता है, जीवित व अजीवित कारकों का एक समुदाय होता है, जैसे हवा पानी, जीवित और अजीवित का ये मैंने बता ही दिया पहले से। नेक्स्ट जो इसमें है वह सिल्वी कल्चर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वी कल्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आई होप आज की क्लास इतनी काफ़ी रहेगी, ज़्यादा बड़ी फिर मेरे को एडिटिंग और अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी फॉरेस्ट्री का सेकंड लेक्चर, वो क्या रहेगा अपना, सिल्वी कल्चर के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वी कल्चर और व्हाट इज सिल्वी कल्चर क्या है, और एक है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन जिसमें 5-6 प्रकार से दिया हुआ है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर अपना जो सेकंड लेक्चर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो कौन सा है, फॉरेस्ट रीजनरेशन, पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं, तो वो करेंगे। तो क्लास कैसी क्या रही, समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बताया वो सारा, तो कमेंट करके मेरे को बताओगे। और जितने भी क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर करोगे, कमेंट लाइक कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो आ गए कि आपको क्लासेस चाहिए हैं अगर, तो आप कर लेना, बट कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।